मेरा मनकोला लाहौरी जीरा के नाम से है। अच्छा, मनकोला लाहौरी जीरा। 35,000 तो मेरी आती थी। 35,000 आपकी सैलरी थी। आपने सर 35,000 की चालू सैलरी, ठीक है, चालू इनकम छोड़ करके आपने बिजनेस किया, बेनिफिट में हो नुकसान में सर? बेनिफिट में सर 200 पेटी रहता है, बीच में बंद रखता हूं। 200 पेटी यानी 4,800 बोतल का पर डे प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। पर डे हो जाता है। बिल्कुल। आपने मशीन ऑपरेट की है ये? यस। मशीन ऑपरेटिंग में कैसी है? सही है। इजी है या हार्ड है? Easy. कितनी उम्र है आपकी? 10. 10 में हो, बराबर। तो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या मशीन ऑपरेट करना मुश्किल है या इजी है? इजी। हार्ड तो नहीं है? मयंक, हाँ मयंक जी बिल्कुल। कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना आपने इसमें अभी काउंट किया? अभी 15 ऑरेंज किया और 25 लेमन जीरा किया और 30 बोले के लिए 11। अरे वाह, क्या बात है। देखो ये इन्होंने अभी, मैं जब आया ना तो ये काउंट कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे कि सर ने जो, देखो ये मशीन जो लगाई है, मैं अब दिखाना जो चाहता हूँ आपको, बहुत छोटा सा गांव, इसको आप देखिए, यहाँ पर अब देखिए बहुत छोटे से गांव के अंदर मशीन लगाई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमाश और मैं उरियल बोरे सोडा मशीन कंपनी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से कस्टमर का रिव्यू लेकर के आपके सामने आ गया हूं मैं। ये आगरा से तकरीबन 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, बहुत ही छोटा कस्बा है, उसके अंदर हमारे सर ने मशीन लिया है। ये वहाँ पर आए हुए थे एक मरतबा कंपनी में, उनका भी वीडियो वहाँ का भी रखा हुआ है मैंने। आज मैं इनसे रूबरू मिलने आ गया। सर ने हमसे मशीन परचेज़ की तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है। आज सर से सारा कुछ पूछेंगे, 2 साल में इनकी कंपनी ने क्या तरक्की की, मशीन कैसे ली, ऑनलाइन ली थी, ऑफलाइन ली थी, वहाँ पर मिलने आए थे, क्या हुआ था, मशीन ली जो 2 साल हो गए तो कितनी मरतबा ख़राब हुई, मशीन ख़राब होने के बाद कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इनका प्रोडक्ट किस नाम से चलता है मार्केट में, सब सारा कुछ जानेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, अगर आप भी बेस्ट क्वालिटी की मशीन खरीदना चाहते हैं तो। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। सर आपका शुभ नाम? कृपाल सिंह सर। कृपाल सिंह जी, बिल्कुल। कृपाल सिंह जी, अभी हम कहाँ पर हैं? सर ये मेरा गांव है पूटपुरा, मोजा पड़ता है जावली जी, फतेहाबाद टाउन है, नियर बाई, तहसील फतेहाबाद है, डिस्ट्रिक्ट आगरा है। बिल्कुल। ये अहमदाबाद से कितना होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप अभी 921 कितना दूर है हम लोग? 921 किलोमीटर। ये रियल बेरे छोटा मशीन कंपनी का मैंने सर्च किया, हम लोग 921 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भाई सर से हम पूछे कि मशीन कैसी चल रही है, और कोई मकसद नहीं है, और सच्चा है आपके सामने लाना मकसद है, ठीक है। रियल बेरे छोटा मशीन कंपनी हम लोग बहुत सच बोल के काम करती है, हम लोग झूठ बोल के काम नहीं करते। जैसे हम लोग बताते 304 है ये सारा कुछ, हम सर से पूछेंगे। देखो सर ने मशीन लिए हुए 2 साल हो गए, ठीक है, 2 महीने नहीं हुए, 2 साल हो गए, तो इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमने सच बोल के चीज़ें दी इनको, तो सारा कुछ है या फिर कुछ बदल गया, ठीक है। तो सर अभी आपने मशीन लिया उसको कितना वक्त हो गया सर? 2 साल हो गया सर मुझे मशीन लिए। बिल्कुल सर, मशीन आप लेने के लिए रूबरू आए थे या फोन पर बुक कराई थी? सर मैं रूबरू गया था, मैं 2 बार गया था, बल्कि एक बार तो जाके पूरा अहमदाबाद और नियर बाई टाउन में मैंने सर्च किया था कि कहाँ की मशीन मुझे ठीक लगेगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर से मैं दोबारा गया आपके पास, तब जाके परचेज की थी मैंने। अच्छा, आपने वहाँ से परचेज की मशीन? अच्छा, लेकिन मुझे फीडबैक अच्छा मिला, तब जाके परचेज किया आपसे। बहुत अच्छे सर, मशीन आपने परचेज की 2 साल हो गए, आपने हम पर उस मौके पर भरोसा किया था, वो भरोसा बाकी है या टूट गया सर? बिल्कुल सर बाकी है। क्योंकि आपने उस मौके पर आप बोल रहे हो नियर बाई में सर्च किया था, ठीक है, तो इसके बाद आपने हमसे मशीन ली, इसका मतलब आपने हम पर भरोसा किया, तो बाकी रहा टूट गया? नहीं, भरोसा तो बाकी है, ऐसे कैसे टूट जाएगा भरोसा, तभी चल रहे हैं। सर हमने आपसे कहा था कि मशीन हमारी 100% 304 स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, तो आज आप 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इसमें कहीं जंग वगैरह लगा, कोई काट वगैरह? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है मुझे। अच्छा, पूरे में पूरे उसमें देखो आपके सामने चमक रही है मशीन। अच्छा सर, मशीन 2 साल के अंदर कंपनी के फॉल्ट से कितनी मरतबा बन रही? कंपनी के फॉल्ट से तो एक भी बार नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने कॉल किया था, तो कंपनी से आपके फाइल भाई उन्होंने रिप्लाई किया था। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि सामान ला के डाल दिया हो गया ओके। हाँ, कब फ़ोन किया था आपने? ये परसों किया था, कल मैंने सामान ला के डाल दिया। 2 साल हो गए फिर भी आपने कंपनी को फ़ोन किया तो रिप्लाई अच्छा मिला? बिल्कुल, बल्कि उनका ही 3 बार मेरे पास कॉल आया, मैंने पिक नहीं कर पाया, फिर दोबारा आया तब मैंने फिर उनको बोला कि मैंने चलो बाइक चला रहा था, 3 बार उनका कॉल आया था, एक बार मैंने जब उनको बोल दिया था उसके बाद बोलने उन्होंने बोला थोड़ी देर में कॉल करूँगा, फिर उनका 3 बार कॉल आया, मैं पिक नहीं कर पाया था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उनका कॉल आया और आपने मशीन को उन्होंने जैसे जैसे बोला आपने किया, ठीक हो गई? बिल्कुल बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह। सर 2 साल में मशीन में कितना खर्च आया अभी तक आपको? 2 साल में तो कोई खर्चा नहीं, पहली बार हुआ है ये बस थोड़ा। अच्छा, कितना खर्च हुआ अभी? 250 रुपये का एक। 250 हुआ 2 साल में, सिर्फ 250 रुपये का खर्च? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कभी हुआ सर कि कंपनी में आपने फोन किया और लोग फोन नहीं उठा रहे और जवाब नहीं दे रहे, ऐसा कुछ? नहीं सर, हर बार रिप्लाई मिलता है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? उसका कोई नहीं, रिप्लाई हर बार मिलता है, मैं जैसे ही कॉल करता हूँ रिप्लाई मिल जाता है मुझे। बहुत अच्छा। सर आपका प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा सा बताइए, ये सर का प्रोडक्ट है, सर किस नाम का आपका प्रोडक्ट चल रहा है सर? ये मेरा मनकोला के नाम से है। मनकोला के नाम से, क्या बात है। टोटल 6 फ्लेवर चला रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको निकालो सर मैं एक बोतल। हाँ बिल्कुल निकालिए। ये सर का प्रोडक्ट है, ये
क्या बात है, बहुत अच्छे। आपने लाहौरी टाइप का बनाया जीरा? मेरा मनकोला लाहौरी जीरा के नाम से। अच्छा, मनकोला लाहौरी जीरा। मनकोला लाहौरी, बहुत अच्छा सर, बहुत प्यारा। मेरा जीरा फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर ये आपका फ्लेवर। मशीन में से स्ट्रॉन्ग निकलता है प्रोडक्ट? बिल्कुल निकलता, तभी तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, अगर मशीन ही निकाली तो कहां से निकलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये लाहौरी टाइप का जीरा है बिल्कुल। और ये कौन सा फ्लेवर है सर? ये मेरा क्लियर लेमन फ्लेवर। अच्छा, इसको भी खोलूं मैं? हां बिल्कुल खोलिए। ये क्लियर लेमन, हां क्लियर लेमन, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए सर का प्रोडक्ट ही है ना। ये कौन सा फ्लेवर है सर? ये वाला, ये स्टिंग है मेरा। स्टिंग टाइप का फ्लेवर आपने बनाया? स्टिंग टाइप का फ्लेवर बनाया मैंने। क्या बात है, बहुत अच्छे सर। हाँ ये भी, ये स्टिंग टाइप का है। ये सारा प्रोडक्ट कहाँ सेल होता है सर आपका? मेरा तो सर आसपास ही नियर बाई टाउन है, बड़ी बड़ी होलसेल टाइप की शॉप है, अपने आप फोन कर देते हैं, उनको जा रहा है। अच्छा। एक हाँ दिन में घूम जाता हूँ मैं, उनसे कॉल कर लेता हूँ, एक बार उनसे मिलाया, अपना प्रोडक्ट दिखाया, क्वालिटी है, तो अपने आप लोग कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अभी भी जो गाड़ी गई है थोड़ी देर पहले, जो भी भरी हुई है, अभी भरी हुई है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। वो भी कॉल पर ही आया है, ऑर्डर में गया ही नहीं, मैंने उनको एक बार मिलके आया हूँ बस, उनके बाद से फोन पे आता है दो तीन बार। क्या बात है, देखिए ये यहाँ पर ये गाड़ी भरा हुआ है, देखिए। अच्छा सर ने जो मशीन लगाया ना, ये बहुत ही छोटी जगह में मशीन लगाया है, आपको बताऊँ कैसा गाँव है ये। ये बहुत छोटी, देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कर दिया, ये इनके इनके बेटे ने अकाउंट किया था, ये कितना था मैं आपको इनसे पूछ के बताऊँ कि ये। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक कृपाल सिंह निसार। मयंक, हाँ मयंक जी बिल्कुल। कौन सा प्रोडक्ट, कितना कितना आपने इसमें अभी काउंट किया? अभी 15 ऑरेंज किया और 25 लेमन जीरा किया और 30 बोले क्लियर लेमन। अरे वाह क्या बात है, देखो ये इन्होंने अभी, मैं जब आया ना तो ये काउंट कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे छोटे उस्ताद यहाँ पर लगे, मुझे जब एंटर हुआ मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। सर ने जो देखो ये मशीन जो लगाई है, मैं अब दिखाना जो चाहता हूँ आपको, बहुत छोटा सा गाँव, इसको आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए बहुत छोटे से गांव के अंदर मशीन लगाई है। ये दूर वहाँ पर जो हाईवे पड़ रहा है, ये लखनऊ वाला हाईवे पड़ रहा है ना, ये लखनऊ वाला हाईवे वहाँ पर पड़ रहा है। बाकी आप देखिए बहुत छोटे सी जगह में कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सेटअप किया है ये सर। शायद पहले सर आपका पहले क्या बिजनेस था, इससे पहले क्या बिजनेस था आपका? जॉब करता सर। अच्छा जॉब करते थे? दिल्ली में जॉब करता। दिल्ली में जॉब करते थे? था एज ए सेल्स ऑफिसर वर्क कर रहा था मैं। अच्छा हाँ, तो वहाँ से फिर मेरा मन चला, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये आइडिया मिला मुझे, मैंने कई सारे आइडिया सर्च किए बट मुझे ये ठीक लगा। फिर आपका वीडियो देखा, वीडियो एक बार देखा, फिर और बार देखा, फिर मैंने दोबारा फिर गया मैं। अच्छा, तब जाके फिर मेरा मन बना, फिर मैंने अपना। क्या सर आपकी सैलरी कितनी थी जब आपने शॉप छोड़ी? सैलरी सर मेरी थी 35,000 तो मेरी आती थी। 35,000 आपकी सैलरी थी? आपने सर 35,000 की चालू सैलरी, ठीक है चालू इनकम छोड़ करके आपने बिजनेस किया, बेनिफिट में हो नुकसान में सर? बेनिफिट में सर, नुकसान में कौन करेगा, नुकसान कौन करेगा। बहुत अच्छे सर। सर ये बोतल का आपने एक बोतल का कॉस्टिंग निकाला, कितना आ जाता है? एक बोतल का कॉस्टिंग मेरा आ जाता है 4-4.5 रुपये। 4.5 रुपये, 4.5 से 5 रुपये आ जाता है। और सेल कितने में हो जाता है? मैं 1 रुपये प्रॉफिट में सेल कर रहा हूँ। अच्छा 1 रुपये प्रॉफिट, 1 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट जो मैं बोलता हूँ सर बार बार वीडियो में, ये मिल जाता है 1 रुपये? मिल जाता है 1 रुपये प्रॉफिट पर काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं देखो ऐसा होता है कि अपनी एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है, कोई अपनी किस टाइप से मार्केट है। मैं अपना केस साइज चलाता हूँ, अपना केस पर अपना फोकस रखता हूँ, कोई बोतल का कैलकुलेटर करता है, मैं अपना केस का करता हूँ। और कंपटीटर को भी देखना होता है मैं, कि कंपटीटर क्या रेट चला रहा है, कैसे क्या चला रहा है मार्केट में। कितना भी कंपटीशन हो, आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, कंपटीशन कितना भी हो, 1 रुपया तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 1 रुपया तो मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा 1 रुपया तो प्रॉफिट मिल जाएगा आराम से। बहुत अच्छा सर। कितना प्रोडक्शन आप दिन भर में कर लेते हो? मेरा सर अभी तो दिन में तो नहीं होता, दिन में तो मेरा बहुत कम होता है, बट मेरा यहाँ पे रात को होता है, दिन में लाइट थोड़ी कम रहती है। तो मेरा जो एवरेज, मैं तो दो प्रोडक्शन कर लेता हूँ। मैं तो अभी नॉर्मल 200 पेटी रहता है, बीच में बंद रखता हूँ। 4,800 बोतल का पर डे प्रोडक्शन आप कर रहे हो? पर डे हो जाता है। तो सर मशीन की कैपेसिटी 4,000 बोतल की तो हमने बोल रखी है, लेकिन हम लोग ऐसे उसके हिसाब से रखते हैं ना, कि अपना कंटिन्यूस में अपना लेबर रहती है, वो कंटिन्यूस यहाँ से फिलिंग के तुरंत बाद रहती है। यानी रियल बेवरेज छोटा मशीन कंपनी जितना बोलती है उससे आगे देती है? बिल्कुल। 4,000 हमने बोला है, मैंने तो निकाला है इतना। अच्छा मेरा एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन चलता है वो कंटिन्यूसली चलता है, रुकता नहीं है। अच्छा और नाइट में ही करते हो? हाँ। कितने लोग आपके वहाँ पर जॉब करते हैं? यहाँ पे मेरा 4-5 लोग हैं, वो अपना कंटिन्यूस करते हैं। 4-5 लोग पूरे आनी, मतलब आप खुद जॉब करते थे और आपने लोगों को अब जॉब दी? बिल्कुल बिल्कुल। रियल बेवरेज छोटा मशीन कंपनी से आप जुड़े, आपने अपना बिजनेस किया और बिजनेस करके ये हो गया कि आप जॉब करते थे, अब खुद सेट बनकर लोगों को आप जॉब दे रहे हो। सही है, 2,000 लोगों को सहारा मेरा तो मिल रहा है, तो कौन सी घर। मगर मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात पूछूं सर, देखो मैं एक वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है मशीन तो उनको लेने का दिल होता है, क्या उनको अगर कोई भी बिजनेस करने का उनको अगर एक दिल हो रहा है कि मैं कोई भी बिजनेस करूं, ठीक है, तो क्या आपके हिसाब से बिजनेस करना ठीक है? ये बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस तो करना ही चाहिए उनके लिए। अच्छा बिजनेस ही? हाँ बिल्कुल। अच्छा रियल बेवरेज छोटा मशीन कंपनी से जुड़ करके अगर छोटी सी कोई मशीन ले लेगी वाली, हमारी छोटी मशीन ही है, और लेकर के अगर छोटी जगह में या घर में चालू कर दे और फैमिली से शुरुआत करे, क्या लगता है 2 पैसे कमा लेंगे?
बिल्कुल कमा लेंगे, क्यों नहीं कमाएंगे, वो करना चाहेंगे तो कमाएंगे, अगर वो करना नहीं चाहेंगे तो क्यों। तो हाँ, मगर एक आदमी है जिसे आपने जॉब कर दिया, ठीक है, आपने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसके बाद आप हमसे जुड़े, अल्लाह पाक के फजल से ऊपर वाले ने आपको दिया, आप काम करने लगे, आजकल बिजनेस करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि भाई किसी को ये काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा, एक अच्छा सजेशन दूंगा कि सबसे पहले वो अपनी लोकेशन को ना एक सर्वे कर लें, उस लोकेशन का सबसे बेस्ट आइडिया, उस लोकेशन में कितने कंपटीटर ब्रांड चल रहे हैं, उनके चल रहे हैं तो दूसरे चल रहे हैं तो उनका भी चलेगा। हाँ, सिंपल सी बात, कंपटीशन से डरने की जरूरत तो नहीं है, उससे डरने की क्या जरूरत है, आपकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी अपनी अच्छी होगी तो क्वालिटी बिकेगी, लोग अपने आप मंगाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपके बेटे का एक बाइट लूंगा, आइए मैं इनसे एक बात पूछूंगा। मुझे यकीन है कि ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने मशीन ऑपरेट की ही होगी, जिस तरह की से मैं यहाँ पर आया और मेरी एंट्री हुई तो मैंने इनको जो वर्क करते देखा ना, तो मैं ये मेरा एक श्योरिटी से बता रहा हूँ, इन्होंने मशीन ऑपरेट की होगी। मैं इनसे पूछूंगा मशीन ऑपरेटिंग में कैसी है, आपने मशीन ऑपरेट की है ये? यस। मशीन ऑपरेटिंग में कैसी है? सही है। ईजी है या हार्ड है? ईजी। हार्ड तो नहीं है? नहीं। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं देख रहा था आप इंग्लिश में बड़ा अच्छा सा बोल रहे थे और लिख भी रहे थे, तो आपने जो पढ़ाई की है उस मुताबिक आपकी उम्र तकरीबन 9 ईयर्स होगी। कितनी उम्र है आपकी? 10 में हो, बराबर। तो 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या मशीन ऑपरेट करना मुश्किल या इजी है? इजी। हार्ड तो नहीं है? क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है आपको प्रोडक्शन करना? अच्छा लगता है। फीलिंग करते हैं और बैठे जाते हैं आराम से? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, मेरा जो बताने का मकसद है ये है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ ये कि मशीन जो है ना बहुत ऑपरेटिंग में ईजी है, हार्ड नहीं है। और रियल बेरोज से इंशाल्लाह जुड़ोगे तो आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे हम। जैसे सर जॉब कर रहे थे, इनका दूर दूर तक सोडा से कोई ताल्लुक नहीं था, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ देखा था, उसके बाद अपना मार्केट सर्वे किया, अपने दैट अपना शुरू कर दिया। मगर आपको रियल बेरोज सोडा मशीन कंपनी से रिस्पॉन्स कैसा रहा? वो सारी गाइड तो आप वहाँ से करते ही हैं, सारी टोटल का, बोटल का, स्टीकर का, कैसे बेच के भूल गए? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको फोन वगैरह आता रहता है कंपनी में से, मैसेज या फोन आता रहता है? नहीं, फ़ोन तो बीच में आता है कि कैसे, बीच में कई बार मैडम का फोन, आप प्रिंट मैडम थी, उनका फोन आया था, कैसे रेस्पॉन्स है, क्या है, मशीन चल रही है, ठीक चल रही है, फोन करते हैं। यानी मैं जो बोलता हूँ कि भाई आप लेते रहते हैं वो लोग, अच्छा, हाँ, पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, यानी हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। जैसे कि मैं उसका जवाब ये दूं कि हम बार बार बोलते हैं कि भाई जो वीडियो देखते हो हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, और जिन्होंने मशीन ले ली हमारी कंपनी के, रियल बेरोज सोडा मशीन कंपनी के फैमिली मेंबर है, तो आपको लगता है कि आप रियल बेरोज सोडा मशीन कंपनी के फैमिली मेंबर हो? बिल्कुल, पूछते रहते हैं, बिल्कुल पूछते रहते हैं। इवन अप्रिन मैडम अगर नियर बाई जैसे किसी को मेरे मुझे प्लांट देखना हो या मशीन देखनी हो तो वो मेरा रेफरेंस नंबर दे देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक पर्सन, हरिद्वार के एक पर्सन है, वो मिलके गए थे मेरे यहाँ से, तो मैंने उनको भी ऐड किया था कि मेरा ये चल रहा है ऐसे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप वो कह रहे ठीक है, मैं अपने एरिया में एक बार मार्केट सर्वे करता हूँ, अब तो दैट मैं भी मिलता हूँ उनसे, मैंने कहा ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक बात पूछूं मैं आपसे, वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ सिखाया क्या? नहीं, कहीं आपने तुरंत बात किया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। पक्का? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में सिखा दिया कि सर अच्छी अच्छी बातें बोलनी है आपको, ये वो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कि जो मेरे सामने रिव्यू है वो मैं वही दूंगा, गलत रिव्यू किसी को क्यों दूंगा? बिल्कुल सर। तो मैं जो बार बार बोलता रहता हूँ कि यार आपकी बहुत मेहनत का पैसे है, सही जगह पर लगाओ तो काम होगा, ऐसा ना हो आप येलो कलर देख करके कहीं से मशीन परचेज करें। ऐसा नहीं है मेरा, तो इवन यहाँ से मैं अगर टाउन वाइज अपना एरिया बताऊँ मैं, तो मेरे जो छोटे छोटे टाउन है यहाँ से, मेन टाउन मेरा फतेहाबाद है, उसके बाद मिश्री है, उसके बाद शमसाबाद है, राजा खेड़ा, इधर अपना नोटा हो गया, पिनाट, बाहा, जसवंत नगर, फिरोजाबाद, एतमादपुर, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाउन है छोटे बड़े मिला के, उतनी जगह मैं सप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा, और एक और मथुरा भी रह गया है, 11 हो गया, और दूसरे टाउन से भी आया था लेकिन वहाँ पे मेरा कवरेज नहीं हो पाया अभी, लेकिन हाँ कर लूँगा कवरेज, मेरा आउटर में भी चल रहा है, फोकस चल रहा है, तो वहाँ पर भी मैं भेजने वाला हूँ। बिल्कुल। आपकी कुछ ना कुछ कामयाबी हुई है मशीन लगा कर कुल मिला के? आपका पैसा निकल गया मशीन का? नहीं, पैसा तो सर देखो मेरे पास एक्चुअली, मेरे पास जो लास्ट ईयर आए थे 15,000 केसेस के लमसम ऑर्डर आए थे, बट लास्ट ईयर मुझे टाइमली सप्लाई नहीं हो पाया था स्टॉक का, तो उस टाइम में थोड़ा डिले हो गया, इस बार मेरा टाइमली है तो टाइमली निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पैसा मिल जाता है आपको? दो पैसा मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा खुल के बताने में सर डर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ इनको हिचकिचाहट है अंदर से कहीं, खैर मुझे मालूम होता है, मगर रहना चाहिए होना चाहिए। मैं किसी का बिल्कुल पर्दा नहीं खोलता हूँ, मेरा मिजाज भी है कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता हूँ, मैंने ये बहुत कम मरतबा ऐसा पूछा होगा, मगर मालूम है मुझे ये पैसा निकल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। चलो मैं जो छोटी मोटी बात है, अगर 1 रुपया एक बोतल पर प्रॉफिट गिनोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सर आपने आपकी ब्रांड का नाम क्या बताया? मेरा ब्रांड का नाम है मनकोला। मनकोला। आपको प्रॉफिट
साथ साथ ब्रांडिंग भी मिला, लोग आपको मन कोला के नाम से अब जानते होंगे। हाँ जानते हैं, लोग कॉल करते हैं हमने, मगर मार्केट में जब मैं इवन लेके चलता हूँ अपना ब्रांड साथ में लेके चलता हूँ, उनको दिखाता हूँ ये है, तो काफ़ी जगह मतलब ऐसी जगह पर यहाँ जहाँ पे लोग मन कोला के नाम से जाने लगे, हाँ भैया मन कोला वाले आ गए, चलो यानी ब्रांड भी मिला आपको, लोग बिल्कुल ब्रांड ने बनाया था, ब्रांड बने गया, बच्चे को भी स्कूल में लोग मन कोला के नाम से जानते होंगे, मन कोला कहते हैं इसको, आपको तो लोग मन कोला के नाम से जानते होंगे स्कूल में, मन कोला ही मुझसे सब कहते हैं, सब कहते हैं, क्या कहते हैं स्कूल में भी मंकोला कहते हैं। क्या बात है, देखो मैं ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट के साथ साथ ब्रांडिंग मिलेगा अगर अच्छी कंपनी से जुड़ोगे तभी ये पॉसिबल होगा। हाँ नहीं तो मनकोला को तो लोग मतलब कोई भी ब्रांड होगी अगर अच्छी नहीं होगी तो लोग इसको भी बुरा भला कहेंगे। सही बोल रहा हूँ ना, मशीन का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपकी मेहनत के साथ साथ। तो आप भी बेस्ट क्वालिटी की मशीन खरीदिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाइए, अपना खुद का एक बिजनेस कीजिए और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी कीजिए। अब रियल ब्यूरो सोडा मशीन कंपनी से जुड़िए जो एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की सोडा बॉटलिंग प्लांट बनाती है, सोडा इंडस्ट्री में ये है हमारा द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडा बॉटलिंग प्लांट है। तो आप भी इससे जुड़िए, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी करोगे इससे जुड़ोगे तो इंशाल्लाह। तो मशीन खरीदने के लिए और फ्लेवर टेस्ट करने के लिए हमने नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको फ्री सैंपल घर बैठे भेजेंगे और आपके नियर बाय में अगर हमारी कहीं मशीन होगी तो हम उनसे परमिशन लेके आपको वहां पर भी भेजेंगे विजिट के लिए। तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, आप और भी मतलब अच्छे से बिजनेस कर सकोगे, आपका मोटिवेशन होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात सर से पूछ के वीडियो खत्म करूंगा। सर आप हमारी कंपनी को ऑल ओवर अभी तक में 1 to 10 में कितना स्टार देना चाहोगे? सर्विस मैन तो 10 of 10 देना चाहूँगा मैं, सर्विस मैन तो जब भी मैंने कॉल किया है रिप्लाई मुझे तुरंत मिला है, उसके बाद जो भी कंसर्न पर्सन है उनका भी कॉल आता रहता है, पूरे 10 of 10 दो सर्विस मैन 10 of 10 दूंगा। क्या बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, तो आप भी अगर जुड़ना चाहे तो रियल ब्यूरो सोडा मशीन कंपनी से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल ब्यूरो, थैंक यू।